राजपूत फार्मिंग चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राजपूत फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बहुत छोटी वीडियो है और यहाँ पे ट्राली हमारी बैठ चुकी है दोस्तों और पूरी तरीके से ज़मीन में धस चुकी है और आप देख ही रहे हैं फुटेज में। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैक्टर है दोस्तों DI 50 52 HP कैटेगरी का है और उसके चलते दोस्तों बहुत बुरी तरीके से फंस गई ट्राली। अब क्या होगा दोस्तों, इससे पहले कि दोस्तों आप आगे बढ़ें तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो यहाँ पर पहला जोर लगाते हुए दोस्तों आगे का ट्रैक्टर 55 HP का है दोस्तों, 750 DI सोनालिका। हालांकि दोस्तों दोनों ही ट्रैक्टर सोनालिका के हैं और काफ़ी दम लगा रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहा है, तो कुछ कमी रह गई हैं वो पूरा करेंगे। अभी दोस्तों देखेंगे ट्रैक्टर की कंडीशन क्या है। आगे वाला भी ट्रैक्टर बैठ गया है और पीछे वाला ट्रैक्टर तो ऑलरेडी बैठा हुआ ही है और काफ़ी ज़मीन में बैठ गया है। ज़मीन गीली होने की वजह से काफ़ी ज़मीन में बैठ गया। और गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉली में गन्ना जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 या 30 क्विंटल के करीब ही गन्ना है दोस्तों। वायर का गन्ना है, वज़न देता है तो लंबा गन्ना काफ़ी है, तो ऐसे में वज़नदार गन्ने की वजह से ट्रॉली बैठ गई। वज़न ज़्यादा नहीं है दोस्तों इस ट्रैक्टर के, मतलब का वज़न नहीं है, तो ज़मीन की वजह से, ज़मीन भब्बल होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे बैठ गई है। और किसान यहाँ पे गन्ने की पत्ती को पहिए के नीचे डालते हुए ताकि जो है पहिया जो है ज़मीन में थोड़ा दब के चले, उससे जो है दम मिल जाएगी। और ऐसे में सब तरीके से भरपूर प्रयास करती हुई लेबर भी डटी हुई है कि निकल जाए, क्योंकि इसे फंसने से बहुत दिक्कत होती है लेबर को और ड्राइवर को भी, तेल का खर्चा काफ़ी हो जाता है। तो ऐसे में अब जोर लगाएंगे, आखिरी जोर है दोस्तों। अगर निकल जाता है ट्रैक्टर तो क्या कहने का। ये देखिए दोस्तों, पूरा जोर लगाता हुआ ट्रैक्टर, पीछे वाला भी आगे वाला, और ये निकल गया दोस्तों। ये इसी तरीके से यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।